मार्केटिंग के दो प्रकार, इसके बारे में मैं आज बातचीत कर रहा हूं। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से हम बिजनेस कोचिंग, बिजनेस सेमिनार्स ले रहे हैं, उसके अंतर्गत मार्केटिंग के बारे में मैं आपके सामने आज कुछ बोल रहा हूं बातें। मार्केटिंग में मुख्यतः दो प्रकार रहते हैं, एक है हाइजीन मार्केटिंग और दूसरा है मैग्नेटिक मार्केटिंग। हाइजीन मार्केटिंग जो है तो उसमें आपके तरफ अलग अलग प्रकार है। एक है कंटेंट मार्केटिंग, लोगों को आप कंटेंट दे रहे अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा है रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिश्ते बना रहे। और तीसरा जो है वो है टेली मार्केटिंग, कॉलर्स है, टेली कॉलर्स, और आपके पास में जो लीड्स आ रही है उनको आप कॉल करते हैं या कोल्ड कॉल्स करते हैं और आपका मार्केटिंग करते हैं। तो ये हाइजीन मार्केटिंग है। हाइजीन मार्केटिंग में एक लोगों तक पहुंचने का जरिया है, ये लोगों तक आप पहुंचते हो इन ए लार्ज वे, बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हो, वो सोशल मीडिया है, टेली मार्केटिंग रहो या सोशल मीडिया के अलग अलग जो अंग है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज या मेथड्स, तो वहाँ जरिए आप बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच जाते हो। और आज अभी सोशल मीडिया के ज़माने में और अभी इंटरनेट के ज़माने में तो बहुत आसान हो चुका है हाइजीन मार्केटिंग। दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक मार्केटिंग। मतलब मैग्नेटिक मार्केटिंग मतलब मैग्नेट की तरह लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लोग आपके तरफ आते हैं। और जब लोग आपके तरफ आते हैं आपका नाम सुन के, आपका एक ब्रांड तैयार होके, फिर आपके दाम में आपका माल बेच सकते हो। फिर लोग भाव नहीं करेंगे, आप जो भाव बोलेंगे वो भाव में। तो मैग्नेटिक मार्केटिंग में क्या होता है, भाव आपका। और जब आप लोगों को चेस करते हो, हंट करते हो, उनके पीछे जाते हो, तो भाव किसका होता है, कस्टमर का। हमको मैग्नेटिक मार्केटिंग में भाव हमारा बेचना मेरे को है, लोग मेरे तरफ आएंगे और लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करके वो माल मेरे से लेना चाहिए, इस तरह का ब्रांड तैयार करना है हमको। तो वो है मैग्नेटिक मार्केटिंग। मैग्नेटिक मार्केटिंग में है एजुकेशन मार्केटिंग, एजुकेट लोगों को करते हो आप। एडिटोरियल मार्केटिंग है, एडिटोरियल आप लिखते हैं पेपर में, अपना पेपर है, अखबार है, और वहाँ से खुद का होगा या और कहीं अखबार में आप एडिटोरियल लिखते हैं। फिर तीसरा वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल आपका होगा। ऑथर मार्केटिंग है, खुद ऑथर करके आप लोगों के सामने जाते हो, एक मैं ऑथर हूँ, ये किताब मैंने लिखी है, एक ऑथर करके आप जाते हो। फिर नेक्स्ट है उसमें चैनल मार्केटिंग, आपका एक न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका एक इमेज बनता है, एक ब्रांड तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग मतलब लोग रेफर करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ से पर्सन टू पर्सन लोग आपस में बात करके आपके तरफ दूसरा कोई कस्टमर भेजते हैं, तो वह वर्ड ऑफ माउथ है, रेफरल मार्केटिंग है। तो वहाँ से लोग आपके तरफ आते हैं और आपके तरफ आके माल खरीदते हैं। अब ये हाइजीन मार्केटिंग जो है, हाइजीन मार्केटिंग में क्या होता है, हाइजीन मार्केटिंग में आपकी विजिबिलिटी मार्केट में दिखती है। और ऐसा बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। आप मार्केट में हो, आप जीवित हो, आप मार्केट में खड़े हो, वो आप मार्केट में दिखाई देते हैं। तो आपकी वो विजिबिलिटी मार्केट में खड़ी होती है हाइजीन मार्केटिंग से। क्या है, और आपके पास में ये माल है और ये आप माल बेचने के लिए उत्सुक है, माल ऐसा ऐसा इस तरह का है, उसकी ये कीमत है, ऐसा एक हाइजीन मार्केटिंग में आपकी विजिबिलिटी बाहर खड़ी हो जाती है, मार्केट में आपका नाम होता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। मैग्नेटिक मार्केटिंग में क्या होता है, जो हमने देखा, मैग्नेटिक मार्केटिंग में ट्रस्ट तैयार होता है, एक आपका नाम तैयार होता है, एक आपका एक पावर तैयार हो जाता है, एक ब्रांड प्रॉमिस तैयार हो जाता है कि नहीं नहीं ये ब्रांड है, और लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। आपको लोगों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके तरफ आएंगे और माल खरीद लेंगे। तो वो मैग्नेटिक मार्केटिंग में होता है। दोनों मार्केटिंग बहुत पावरफुल है और कोई वीडियो में मैं डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा, हाइजीन मार्केटिंग कैसा करना, मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसा करना, और उसके जरिए अपना माल कैसे बेचना और बिजनेस कैसे बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच।